भक्त शिरोमणि रस खान, जिनका हृदय केवल भगवान कृष्ण के भक्ति से ओतप्रोत था। रस खान, इनका जन्म एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था जो बहुत ही संपन्न थे। इसलिए बचपन में माता पिता के स्नेह के साथ इन्हें ऐश्वर्य और लाड़ प्यार भी बहुत मिला। माना जाता है इनका जन्म 1578 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। तो आइए जानते हैं, एक मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद सैयद इब्राहिम आखिर भक्त शिरोमणि रस खान कैसे बना। किशोरा अवस्था में रस खान बनिए परिवार की एक लड़की से बेहद प्यार करते थे। एक दिन इन्होंने किन्हीं को यह कहते सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा प्रेम रस खान को उस बनिए की लड़की से है। इस बात ने रस खान को अंदर तक झंझोर कर रख दिया। अब तो इनके अंदर भगवान के प्रेम की ललक जाग उठी और ये घर से निकल पड़े। रास्ते में कहीं भगवत कथा हो रही थी। व्यास गद्दी पर बैठे कथाकार बहुत ही सुबोध और सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे थे, जो रस खान के हृदय को छू गई। अचानक इनकी नजर भगवान श्याम सुंदर की रखी फोटो पर पड़ी और वहीं ठहर गई। काफी समय तक टकटकी लगाकर देखते रहे। उनके नेत्र भगवान के मनोहारी रूप से हट नहीं रहे थे। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही रस खान का हृदय मनोहारी मनमोहन की मोहनी सूरत की तरफ खींचा जा रहा था। यहां तक कि कथा समाप्त हो गई, श्रोतागण चले गए। इन्हें कोई होश नहीं, क्योंकि इनकी नजरें तो जैसे अपलक हो गई। व्यास जी ने इस अद्भुत बालक के प्रेम को पहचाना और पूछा, बस क्या निहार रहे हो? रस खान ने बड़ी विनम्रता से पूछा, पंडित जी, क्या सामने रखा चित्र भगवान श्री कृष्ण का ही है? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह उन्हीं नटवर नागर चितचोर का चित्र है। रस खान के नैनों में जैसे भगवान का रूप माधुर्य समा गया हो। गदगद कंठ से बोले, क्या कोई इतना दर्शनीय और मनभावन भी हो सकता है? व्यास जी ने कहा, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है वह दर्शनीय और मनभावन तो होगा ही। अब तो रस खान बड़े प्रेम से बोले, व्यास जी, यह मनमोहनी सूरत मेरे हृदय में समा गई है। अब तो साक्षात मुखमंडल देखने के अभिलाषी हूँ। आप मुझे बस इनका पता बता दो, मैं शीघ्र ही इनसे मिलकर अपने हृदय की तरफ शांत करना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, भैया, ये तो ब्रज के नायक हैं, ब्रज में ही मिलेंगे। रस खान तुरंत ही ब्रज के लिए निकल पड़े। जिसके हृदय में भाव जागृत हो जाए, प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाए, उसे इसके आगे और कुछ नहीं सूझता। रस खान जैसे ही ब्रज भूमि का स्पर्श पाया, उसमें लोट लगाते लगाते इनके हृदय की मलिनता नष्ट हो गई और प्रेम की अश्रुधारा बह चली। तत्पश्चात कालिंदी के परम पवित्र जल की शीतलता के स्पर्श से रस खान के भावपूर्ण हृदय में प्रेम वेग कंपन होने लगा। वृंदावन के कनकन से गूंजती कृष्ण नाम की सुरीली धुन उन्हें आनंदित कर रही थी। धामों में धाम परम धाम वृंदावन जैसे स्वर्ग की अनुभूति करा रहा था। एक दिन रस खान के मन में गोवर्धन धाम जाने की इच्छा हुई, तुरंत ही चल दिए। वहां पहुंचने पर बड़े ही प्रसन्नचित होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने के लिए घुसने लगे। वहां खड़े पुजारी ने टोकते हुए कहा, अरे कहां घुसे जा रहे हो, तुम्हारी वेशभूषा तो दूसरी है, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। रस खान ने कहा, यह कैसा प्रतिबंध, वेशभूषा का भक्ति से क्या संबंध? पुजारी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने दूंगा। भाई, मैं भी तो इंसान ही हूँ, सबकी तरह मैंने भी एक स्त्री के गर्भ से जन्म लिया। आपकी तरह ईश्वर ने मुझे भी सुमिरन और दर्शन का अधिकार दिया है, फिर आप मुझे कैसे दर्शन नहीं करने दोगे? पुजारी ने कहा, अपने ये तर्क किसी और को सुनाना, मैं विधर्मी को मंदिर में नहीं घुसने दूंगा, परंतु तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। पुजारी ने गुस्से से रस खान को सीढ़ियों से धक्का दे मारा। रस खान को ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। वे बहुत ज्यादा दुखी हुए और साथ साथ आश्चर्य भी हुआ कि ब्रज में ऐसी मति वाले इंसान भी रहते हैं। उनका कृष्ण प्रेम हिल्लोड़े मार रहा था। उन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण से मन ही मन आर्त पुकार की और अगले दिन से दर्शन की चाहत में अन्न और जल त्याग दिया। भगवान भला कब अपने भक्त की
हृदय वेदना से अनभिज्ञ थे। भक्त की विकलता तो भगवान को भी विचलित कर देती है, उन्हें भला भक्त का दुख कहाँ सहन होता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पीड़ा हरने के लिए साक्षात प्रकट हो गए, पुजारी की दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी और गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास जाने का आदेश दिया। अपने प्रियतम प्रभु का आदेश पाकर रसखान गोसाई जी के पास तुरंत पहुंच गए। गोसाई जी ने उन्हें गोविंद कुंड में स्नान कराकर दीक्षित किया। सतगुरु का सानिध्य लाभ मिलते ही रसखान की भक्ति का स्रोत फूट पड़ा, जो काव्य के रूप में बह निकला। अब तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने काव्य के रूप में वर्णन करते हुए आजीवन ब्रज में ही रह गए। केवल कृष्ण को ही अपना सखा संबंधी मित्र मानते हुए काव्य की ऐसी सुंदर रचनाएं लिखी कि वो सचमुच ही रस की खान बन गई। अब तो उनकी बस एक ही लालसा थी, मेरा जब कभी भी जन्म हो तो यही ब्रज की भूमि पर हो, मनुष्य बनू तो रस खान के रूप में ही मेरा जन्म हो, पशु बनू तो नंद के आंगन की गैया बनू, पर्वत बनू तो यही गोवर्धन ही बनू, और अगर पंछी बनू तो इसी कालिंदी के तट पर कदम वृक्ष पर बसेरा करूं। इस प्रकार उच्च कोटि के काव्य और भक्ति के धनी रसखान ने प्रभु सुमिरन करते हुए 45 वर्ष की आयु में निज धाम की यात्रा पूर्ण की। एक अद्भुत घटना घटी, वो ये कि जिनके दर्शन के लिए अनेकों योगी सिद्ध पुरुष परम भक्त आदि जन तरसा करते हैं, उन्हीं भक्त वत्सल भगवान कृष्ण ने अपने निज हाथों से अपने इस प्रिय भक्त की अंत्येष्टि कर भक्त की कीर्ति को बढ़ाया। धन्य है ऐसी महान रसखान जिन्हें प्रेम पास में बंधे भगवान की कृपा और दर्शन दोनों का परम सौभाग्य मिला। दोस्तों, रसखान जैसे भक्त के लिए एक लाइक तो बनता है, और आप अपना प्यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।